एमपी में सभी विधायकों को टिकट देगी कांग्रेस, बगावत के डर से बदली रणनीति। पहले 30 विधायकों के टिकट काटने की थी तैयारी, अब सब रिपीट। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में 97 में से 90 विधायकों के नाम पर लगी मुहार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 140 नामों पर मुहर लगा दी है और 15 अक्टूबर को ये नाम घोषित हो जाएंगे। लेकिन इन नामों के ऐलान से पहले दिल्ली में 2 दिन का मंथन होगा और सूची में कुछ नाम जोड़े जा सकते हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है पार्टी 2 सूचियों में सभी उम्मीदवार तय कर देगी। पहली सूची में 140 के करीब नाम होंगे और बचे हुए 90 नाम दूसरी सूची में जारी किए जाएंगे। पहली सूची में सभी विधायकों का नाम भी शामिल किया जाएगा। पार्टी के पास इस समय 97 सीटें हैं और पहली सूची में इनमें से 90 नाम तय कर दिए गए हैं। टिकट तो कांतिलाल भूरिया का भी तय हो गया था। उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपने बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट मांगा है। जिन 6 विधायकों का टिकट काटा गया है उसमें खरगोन जिले बडवा से विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुरैना की सुमावली सीट से विधायक अजब सिंह कुशवाहा कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। ऐसे में उनकी विधायक सदस्यता इस संकट में फंसी हुई है और पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कटंगी सीट से विधायक रामलाल सहारे 76 साल के हो गए हैं और उन्होंने खुद ही पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। ग्वालियर जिले की डबरा सीट से विधायक सुरेश राजे कई विवादों में फंसे हुए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद उनका टिकट काटने की बात कही जा रही है। जबकि भोपाल उत्तर से विधायक आरिफ अकील स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे आतिफ के लिए टिकट मांगा है, लेकिन यहां आरिफ के भाई आमिर की भी दावेदारी कर रहे हैं जिस कारण से पेच फंसा हुआ है। जबकि धार जिले की धर्मपुरी से विधायक पंचीलाल मेड़ा और पन्ना जिले की गुन्नौर सीट से पहली बार चुनाव जीते शिवदयाल बागरी के बारे में दावा किया जा रहा है कि इनकी सर्वे रिपोर्ट सही नहीं है, ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे कांग्रेस के सर्वे में करीब 40 विधायकों की स्थिति खराब बताई जा रही है, लेकिन बगावत के डर से पार्टी के सर्वे के आधार पर सिर्फ 2 विधायकों के टिकट काटने की ताकत जुटा पाई है। बाकी के विधायकों ने किसी न किसी कारण से खुद को चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है या फिर पार्टी के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि उन्हें वो टिकट नहीं दे पा रही है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं, अगर कांग्रेस के इस सर्वे में उम्मीदवारों की हालत सही नहीं है तो फिर उन्हें टिकट क्यों दिया जा रहा है, और इसका जवाब कांग्रेस की रणनीति में ही दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से अपने पुराने उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं और उसके बाद जो बगावत शुरू हुई है उसे देखकर कांग्रेस भी घबराई हुई दिखाई दे रही है। वैसे कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदलने पर भी विचार हो रहा है। कुछ विधायकों की सीट शिफ्ट की जा रही है। दिल्ली में 2 दिन कांग्रेस की मैराथन बैठकें होंगी। इन बैठकों में पहली सूची के नामों को फाइनल किया जाएगा। कुछ विधायकों की सीटों को बदलकर दूसरे मजबूत दावेदारों को मौका देने पर भी चर्चा चल रही है। इसमें भोपाल जिले की दक्षिण पश्चिम सीट से मौजूदा विधायक पीसी शर्मा को नरेला शिफ्ट करने और दक्षिण पश्चिम में संजीव सक्सेना को उतारने पर विचार चल रहा है। इसी तरह छतरपुर जिले की राजनगर सीट से वर्तमान विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा को बिजावर शिफ्ट करने की चर्चा है। राजनगर सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि को उतारने पर भी विचार चल रहा है। वैसे अभी साफ नहीं हो पाया है कि विधायकों की सीट बदली जाएगी या उन्हें पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ाया जाएगा। प्रत्याशी चयन को लेकर क्राइटेरिया भी फिक्स किए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो विनेबिलिटी यानी जीतने की योग्यता है। 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं, विधायक अपनी सीट नहीं बदल पाएंगे, जिले के बाहर के नेता को टिकट नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्थ एंटरप्रेन्योर।